Hey all you awesome new blossomy people out there, welcome back to my channel. My name is Nirupama and I hope you all are doing great. So in today's video again I'm going to share a story with you all. So yeah, mujhe bahut pasand hai is type ki video banana, to isliye again I'm back with the same sort of a video. So again it is related to my previous job, which was a cabin crew job. So when I joined, theek hai, uske baad maine apni training ki. Ab training se ट्रेनिंग के बाद आपको होता है ग्रेजुएशन. ग्रेजुएशन के एक दिन पहले मैं रोई. मैं बहुत रोई. मैं क्यों रोई मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, ठीक है. मैं अपना दर्द दुख दर्द आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. फिर अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पूरी वीडियो बना सकती हूँ, मैं यहाँ क्यों बना रही हूँ, यहाँ क्यों बना रही हूँ, बिकॉज बहुत धूप लग रही है, एकदम आंखों पर धूप आ रही है, ठीक है. सो इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ, बट लाइटिंग मुझे ऐसे इस टाइप का थोड़ा सा बैकग्राउंड नहीं, इस टाइप की लाइटिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है. सो या दैट इज अ रीजन वाई. एंड गर्मी बहुत है. सो या कमिंग बैक टू द पॉइंट इज मैं क्यों रोई थी. हाँ, सो बेसिकली हमारे जो ग्रेजुएशन के एक दिन पहले हमें हमारे बेस पता चलना था. तो बेस मतलब कि वेयर यू आर गोइंग टू लिव, एज इन लाइक फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू फ्लाई. तो जितने भी इंडियन कैरियर्स हैं, जितने भी इंडियन एयरलाइंस हैं, तो उनके बेस जगह जगह पे मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में होते हैं, लाइक बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, कोलकाता, कैलकटा, यू नो. सो जगह जगह होते हैं. सो अभी क्या था, अगर इंटरनेशनल की बात करें तो उनके एक ही जगह होता है, लाइक यू नो ये दो जगह होगा. जैसे अगर आप कतार की बात करो तो कतार का दोहा में है. इफ़ यू टॉक अबाउट एमिरेट्स, एमिरेट्स का दुबई में है. इफ़ यू टॉक अबाउट एतिहाद, उनका अबू धाबी में है. सो ऐसे करके जिनके वैसे उनके बेस स्टेशन है, हमारे भी होते हैं. तो आपको कंपनी बताएगी कि भाई आपको कम कहाँ भेजने वाले हैं, ठीक है. सो वो बताने से पहले वो हमसे एक फॉर्म भरवाते हैं. एंड वो मतलब जब ड्यूरिंग आर ट्रेनिंग डेज ना, कभी भी वो हम देखिए आस पास कि यू नो ये ट्रेनिंग जब खत्म होने वाली होती है तब हमें बोलते हैं कि अच्छा यू हैव टू फिल द फॉर्म एंड एवरीथिंग. यू नो यू राइट योर प्रेफरेंस की चार ऑप्शन देते हैं कि तुम्हें चार ऑप्शन भरो कि कहाँ फर्स्ट नंबर पे वेयर यू प्रिफर. अगर वो नहीं मिलता सेकंड पे कौन सा, अगर सेकंड भी नहीं मिलता थर्ड पे कौन सा, एंड देन फोर्थ पे कौन सा, ऐसे करके. सो यस, सो दैट वाज दैट. तो क्या हुआ उस दिन, मतलब ग्रेजुएशन के एक दिन पहले हम सबको बुलाया गया. वी आर प्रैक्टिसिंग फॉर आर ग्रेजुएशन डे. हम लोगों ने एक डांस प्रिपेयर कर रखा था, सो हम वही प्रैक्टिस कर रहे थे. सो देन वन ऑफ आवर इंस्ट्रक्टर्स she came and then she's like, okay, now I'm going to tell you your base and you know all of that. Everybody was very scared and excited at the same time. And yeah, थोड़ी clarity मिलती है ना. तो हाँ, तो अब क्या हुआ कि we were a group of 23 or 25 people. I don't remember exactly. मतलब काफ़ी टाइम हो गया ना तो मुझे याद नहीं है एक्चुअली, बट अराउंड 25 लोग होंगे, है ना. तो अभी क्या हुआ कि जैसे उन्होंने सबका बेस बताते कि यू नो इसको फलाने को ये बेस मिल रहा है, दिखाने को ये बेस मिल रहा है, एंड यू आर गेटिंग दिस बेस, निरुपमा गेटिंग दिस बेस. तो ये सबको बताने लगे. एंड देन सब एवरीबडी वॉज रियली हैप्पी एंड आई वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज क्राइंग. एंड वाई, सो एक्चुअली व्हाट हैपेंड, मेरे जो बैच में उस बैच में आधे लोग थे बॉम्बे से थे, आधे लोग थे दिल्ली से थे, मैं थी एमपी से, ठीक है. और एक दो लोग थे जो कि दार्जिलिंग वगैरह से थे, ठीक है. दो लोग थे जो कि दार्जिलिंग वगैरह से थे. सो मेजॉरिटी तो इस तरीके का ऐसे मतलब ऐसे रेशो था हमारी क्लास में ना कि यहाँ से बॉम्बे. तो जो बॉम्बे वाले थे उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस में बॉम्बे लिखा था, जो दिल्ली वाले थे उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस में दिल्ली लिखा था. मैं इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है. तो मैंने क्या सोचा कि भाई बॉम्बे दिल्ली तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो इनिशियली मैंने स्टार्ट फ्लाइंग, सो यू डोंट गेट बॉम्बे और दिल्ली बेस्ड, राइट. ये तो जो एक्सपीरियंस क्रू होता है उसको प्रेफरेंस मिलता है, या तो मतलब जैसे एक्सपीरियंस क्रू बोले तो जो जिसने पहले फ्लाई कर रखा है. फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिगो में किसी ने फ्लाई कर रखा है, वो यहाँ पे आया, तो देन दे कैन से यू नो दे कैन गिव अ प्रेफरेंस दैट आई वुड लाइक टू फ्लाई आउट ऑफ दिस प्लेस ओनली, एंड यू नो. तो उनका कंसिडर करते भी हैं. हम तो न्यू कमर्स थे, हम तो फ्रेशर्स थे, तो हमारे को क्यों कोई क्यों सुनेगा. सो आई वाज लाइक प्रैक्टिकली आई वाज थिंकिंग. तो जो फ्लाइंग थी बॉम्बे दिल्ली तो वाज नॉट एन ऑप्शन, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू गो टू आइदर बॉम्बे और दिल्ली. सो देन कौन सा नेक्स्ट ऑप्शन रहा, तो मैंने त्रिवेंद्रम लिख दिया था, ठीक है. क्योंकि त्रिवेंद्रम से फ्लाइंग बहुत अच्छी थी उस टाइम पे. मतलब सी फ्लाइंग का इट्स लाइक फ्लाइंग बहुत अच्छी से थी कहने से मतलब मेरा ये है कि नंबर ऑफ आवर्स. सो हमारे एयरलाइन में क्या था कि जितना आप ज़्यादा फ्लाई करोगे उतनी अच्छी सैलरी आएगी. तो मैंने कहा लेट्स बी सेंसिबल, यू नो अगर बॉम्बे दिल्ली तो वैसे भी नहीं मिल रहा है, राइट. सो अगर मुझे फ्लाइंग वाइज देखना है एंड यू नो इस नंबर ऑफ आवर्स अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूँ तो आई शुड गो फॉर त्रिवेंद्रम.
तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन में ट्रिवेंड्रम लिख दिया, सेकंड ऑप्शन में मैंने कोचिन लिख दिया, थर्ड में मैंने बॉम्बे नहीं दिल्ली लिखा और फोर्थ में मैंने बॉम्बे लिख दिया। सो मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैंने लिख दिया। अब हमारा जो बैच, हमसे जो पहले वाला बैच था, वो सबको साउथ में भेज रहे थे, एज ए लाइक चेन्नई भेज रहे थे या ट्रिवेंड्रम या कोचिन या हैदराबाद, सबको ये बेस मिल रहे थे, या बेंगलुरु, तो ये 5 बेस ही मिल रहे थे, किसी को भी दिल्ली बॉम्बे नहीं मिल रहा था। हमारे बैच से ही उन्होंने ये चीज स्टार्ट किया कि जो फ्रेशर्स है उनको भी बॉम्बे दिल्ली बेस दिया जाए। अब क्योंकि मैंने जो प्रेफरेंस वाली लिस्ट थी उसमें मैंने ट्रिवेंड्रम लिख दिया, तो उनके लिए तो काम इजी होगा कि भाई एक बेवकूफ तो है जो जाने के लिए तैयार है। एंड इमेजिन, जस्ट इमेजिन, रूम फुल ऑफ पीपल, एवरीबडी इज जम्पिंग, स्माइलिंग, लाफिंग, हैप्पी एंड जॉली एंड एवरीथिंग, एंड आई वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज इन टू टीयर्स। आई वॉज लिटरली क्राइंग लाइक अ बेबी, बिकॉज आई वॉज लाइक ओ माई गॉड। बिकॉज ये क्या होता है ना कि जब भी आपको कोई बेस मिलता है ना, तो पूरे बैच को मिलता है साथ में, एज ए लाइक सारे लोग। अगर लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू ट्रिवेंड्रम, तो आई वॉज लाइक कि चलो मेरे बाकी बैचेज भी साथ में होंगे, बाकी दोस्त भी साथ में होंगे, आई वॉन्ट बी अलोन। नाउ दिस टाइम आई एम ऑल अलोन। एंड जो मैं दो लोगों की बात करी जो कि दार्जिलिंग से थे, उन दोनों ने कोचिन लिखा था, तो देवर ओके विद दैट। दे एनी विच वेज दे वॉन्ट टू गो टू कोचिन, दे डिडंट वॉन्ट टू गो टू बॉम्बे और दिल्ली, सो देवर ओके विद दैट। And I was the only person stuck with the Trivandrum base, and I just didn't know what to do, because it's not that ki main wahan pe rahi hu ya mujhe kuch pata hai, you know, it's all together a different place, and like it was like a different planet for me. I just didn't know what to say, I just didn't know what to do, I was just crying continuously. And then my friend Sana, she was like ki Neeru koi baat nahi, it's okay, tu ek kaam kar, tu jaake na baat kar le, they will of course consider this, and then they might change your base, so you go and speak to the person, concerned person. So I was like chalo theek hai, I went to her again, I told her ma'am actually maine, but boli that's what you have written, maine kaha I know because I'm an idiot. मैंने कहा प्लीज आप मेरा चेंज कर दो, यू नो मैं अकेले कैसे जाऊंगी, कैसे रहूंगी, प्लीज। एंड देन यू नो आई स्टार्टेड क्राइंग आल्सो, नॉट दैट आई प्लान कि आई विल क्राई एंड यू नो इससे और इम्पैक्ट पड़ेगा, बट जनरली आई वाज फीलिंग रियली बैड अबाउट इट। सो उन्होंने कहा, उन्होंने ऑप्शन दिया कि काम करो, यू डू वन थिंग, यू वी आर नॉट सेंडिंग यू टू ट्रिवेंड्रम, यू कैन चूज टू स्टे इन बॉम्बे, ठीक है, एंड हम तुम अप्लाई कर दे रहे दिल्ली बेस के लिए, और तुम्हें जितना फिर जब भी वैकेंसी निकलेगी तो वी विल सेंड यू देयर, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो फिर हम वहां भेज देंगे। तो मुझे ने, आई वाज नॉट श्योर कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इट वाज लाइक अनसर्टेनिटी टाइप का था। आई डोंट नो व्हाई डिडंट आई से यस टू दैट ऑफर। और उसके बाद दूसरी चीज उन्होंने बोली कि या तो आप एक काम कर सकते हो कि यू गो टू ट्रिवेंड्रम एंड उसके बाद वहां जाके अप्लाई कर देना ट्रांसफर के लिए, और तुमको ट्रांसफर मिल जाएगा। तो मतलब जो भी पहली फ्लाइट करोगे, लैंड होके ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना, एंड यू विल गेट द ट्रांसफर, विल कंसीडर दैट, मतलब करके जब भी वैकेंसी आएगा, मतलब वी आर नॉट अश्योरिंग यू, जब भी ट्रांसफर स्टार्ट करेंगे वो, तो क्योंकि क्रू करता है, मतलब ऐसे फ्लाई करने के बाद भी यू कैन चेंज योर बेस, यू कैन अप्लाई फॉर ट्रांसफर, अगर जगह होती है या स्वॉप मिल जाता है तो देन दे डू इट। सो नाउ आई वॉज लाइक ओके, सो आई गिव इट अ थॉट, एंड आई डोंट नो, आई एम वेरी इम्पेशेंट दैट वेज, तो मेरे को क्लैरिटी चाहिए, मतलब अभी मुझे बोलो कि होगा तो होगा, नहीं होगा तो मुझे, मतलब ऐसा नहीं कि मैं यू नो आई एम लाइक ना इधर क्यों ना मैं उधर क्यों, मुझे मतलब ऐसे ऐसे सिचुएशन में रहना पसंद नहीं, आई वो लाइक क्लैरिटी। तो आई वॉज लाइक आई एम वेरी इम्पेशेंट ऑल्सो, सो आई लाइक ओके चक इट, आई एम गोइंग टू ट्रिवेंड्रम। एंड आई रिमेंबर आई वॉज ओनली पर्सन जब मैं वहाँ पर लैंड किया एंड वहाँ पर गई, तो वहाँ पर ना पीपल दे डोंट टॉक इन हिंदी, एंड इंग्लिश में भी बात करते बट इतनी फ्लुएंटली लोगों को नहीं आती। तो इनिशियली इट वॉज लिटरली आई वॉज फीलिंग लाइक एन एलियन एंड इन अ डिफरेंट प्लानट, बट देन ग्रेजुअली ऑफकोर्स लोगों से मिली मैं और दोस्त बनाए, बहुत अच्छे दोस्त बनाए, बहुत अच्छे लोगों से मिली मैं, एंड आई हैड सच नाइस मेमोरीज। इनफैक्ट जैसे उन्होंने कहा था कि फर्स्ट फ्लाइट के बाद यू कैन अप्लाई फॉर अ ट्रांसफर, आई डिड द सेम थिंग एंड आई गॉट द ट्रांसफर आफ्टर 9 months, बिकॉज उस दौरान में ट्रांसफर हो ही नहीं रहे थे, मतलब वैकेंसी निकल ही नहीं रही थी। सो फाइनली आफ्टर 9 months आई गॉट द ट्रांसफर, एंड देन व्हेन आई गॉट अ मेल कि यू नो ओके फाइन तुमको ट्रांसफर मिल गया है, एंड यू आर वही एंड अदर पीपल हु आल्सो देयर जिन्होंने अप्लाई किया था, तो इन इन लोगों को सबको ट्रांसफर मिल गया है दिल्ली के लिए, एंड यू वोंट बिलीव दैट आई वॉज, मतलब मैं स्टिल आई वॉज नॉट श्योर कि शुड आई गो या शुड आई स्टे बैक, एक सेकेंड थॉट आया था मेरे दिमाग में, एंड विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग, बिकॉज कहाँ तो मैं मर रही थी जाने के लिए कि नहीं मुझे दिल्ली जाना, मुझे दिल्ली जाना है, एंड यहाँ पर जब मैं फाइनली मुझे मौका मिल रहा था तो आई वॉज नॉट श्योर। इट इज लाइक दैट्स लाइक इट्स सो फनी ना, मतलब जिंदगी कैसी होती है ना कि जब आपको कोई चीज़ नहीं करनी होती है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, बट वही करना है,
वही करना पड़ता है, राइट? इफ यू सी दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ ना, मतलब एंड ह्यूमंस आल्सो, हमें अगर किसी भी, मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि यू नो आपको किसी भी सिचुएशन में डाल दो ना, इनिशियली आप यू विल बी अनकंफर्टेबल एंड बट स्लोली एंड स्टेडीली यू विल अडैप्ट टू द एटमोसफेयर एंड द सराउंडिंग्स एंड यू विल गेट यूज टू इट। एंड आप इतना यूज टू हो जाओगे कि आपको लगेगा कि यार और अब पता नहीं, मतलब इट्स लाइक यू नो आपका कंफर्ट जोन बन जाता है। चेंज इज डिफिकल्ट बट यू नो you somehow you manage to adjust and yeah it is really weird and mere dimag mein I was just thinking because if you think about the lockdown right now we all are crying oh my god kyun ye wo falana dikhana of course we want to go out and a lot of things restrictions are there this and that and you know falana dikhana but then if you see it if you because ab to 2 mahine almost hone wale hai right aur हम में कितना चेंज आया है, हम में कितना टाइम मिल रहा है अपने लिए, अपने खुद सोचने के लिए, एनालाइज करने के लिए, यू नो अपने आप को समझने के लिए, दूसरों को समझने के लिए, यू नो अपने लिए कुछ खुद करने के लिए। कभी कभार ना हम चीज़ों में अच्छाई नहीं दिख पाते। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द बेस्ट सिचुएशन, वी आर लाइक लिटरली ट्रैप्ड। अभी मैंने आई वॉज जस्ट थिंकिंग सम अदर डे कि इफ यू लुक आउटसाइड, अभी आजकल बहुत बर्ड्स दिखने लग जाएंगे, चिड़ियाएं बहुत दिखती हैं, ठीक है, आवाजें में, यू नो, सो विच इज नॉट यूजुअल, विच इज नॉट नॉर्मल, बिकॉज अगर आप देखो, अगर नॉर्मली अगर ये लॉकडाउन ना देखे, कहाँ ये टाइम मिलता था कि यू नो यू कैन जस्ट सिट रिलैक्स एंड एडमायर द नेचर, कहाँ मिलता था ये टाइम? आई एट टाइम्स आई फील लाइक द दैट एनिमल इन द जू, जो होता ना हम जू में देखने जाते हैं जानवरों को, वो बंद है एंड हम उनको परेशान करते रहते जानवर में, और हम बाहर से जानवर को देखते हैं, मेरे को लगता है ये ऐसे धरती ने ना, पूरे अर्थ ने ना ऐसे गोल चक्कर मारा जोर से और वो चीज़ों को पूरा ही उलट पुलट कर दिया है। नाउ वी आर ट्रैप्ड इन आर हाउसेज एंड एनिमल्स आर वॉचिंग अस, बिकॉज़ द अदर डे आई सॉ टू मंकीज आउटसाइड आराम से घूम रहे हो और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा ठीक है, क्यूट है, सब कुछ ठीक है, बट देन व्हाट इफ दे यू नो जंप इनसाइड द इनसाइड एंड देन मैं तो कहाँ भागूंगी मैं। सो दैट इज रियली फनी, मतलब लाइफ इज unpredictable and yeah life is beautiful, so just embrace whatever it offers you. Yeah, it's okay, chill maro, enjoy karo. I hope you like the story and yeah abhi to sunane mein mujhe bada maza aa raha hai. Us din main bahut roi thi, sach mein mujhe bahut 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 gussa aaya tha and bahut dukh hua tha, but that's okay, that's how life is. You just understand one thing ki agar abhi aapko lag raha hai this is a tough time, future mein aap actually is pe hansne wale ho. कहते हैं ना कि अरे अभी तो तुम्हें बुरा लग रहा है, बाद में देखो तुम ही हंसोगे, एंड एक्चुअली ऐसा होता है। सो जस्ट चिल, रिलैक्स, थिंग्स डजंट स्टे द सेम, थिंग्स चेंज एंड या जस्ट एंजॉय व्हाटएवर यू हैव राइट नाउ एंड विद दैट आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।